तो हाय भाई साहब, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं जहाँ काम करता हूँ वो जो सेठ हैं अपना, तो वो सेठ लोग आज हमें पकड़ के बोल रहे थे कि तुम सब्जी बनाते हो, तुम खाना बनाते हो, तो तुम्हारा बीवी क्यों नहीं बनाती है, इसके बारे में तुम बताओ, सबको समझाओ, हम लोग को समझाओ। तो मैं वीडियो का माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि औरत की कोई जात नहीं होती, उसकी उतनी किसी की औकात नहीं होती। और एक सीने को अपने बच्चे को पकड़ाएगी, एक सीने को अपने भूखे बाप को पकड़ाएगी, वो देखते ही देखते अपने जन्मदाता की माँ बन बैठेगी और डुबा देगी इतनी दूध की कर्ज में कि एक कतरा दूध का हक अदा हम मर्द जात नहीं कर सकते हैं। हम क्या देंगे औरत को कि वो हमारी कर्जदार हो? पहला सवाल ये रहा। ये कमेंट कीजिएगा कि आप अपने बीवी को क्या दोगे कि वो आपका कर्जदार है। तो औरत का मान मर्यादा को समझने के लिए बहुत हद तक जाना पड़ता है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। और जब आप औरत का मान मर्यादा को समझ जाइए तो सबसे पहले आपको कुकिंग का शौक़ हो जाएगा। आप यकीन नहीं माने, ज़िंदगी इतनी सताती है, इतनी दिखाती है, इतनी समझाती है, पर कोई समझने को तैयार नहीं। मेरा YouTube में आने का मकसद यही है कि मैं अच्छा से अच्छा मैं मोटिवेट कर सकूं सबको। तो अभी मेरी बेटी खिड़की में बैठी है, नीचे देख रही है। तो हम अपने बेटी को इतने प्यार से रखते हैं, इतने अच्छे से रखते हैं, मतलब हर चीज़ का ख्यालात रखते हैं। तो ये तो पढ़ रही है, खा रही है, बाप माँ का पास है, तो मेरी बीवी भी किसी की बेटी है ना? तो वो भी इसी तरीके से लाड प्यार में बड़ी हुई है, पली है। और अभी शादी होने के बाद वो मेरे लिए काम करती है, मेरे लिए जॉब काम करती है, कमाती है, मेरा ज़िंदगी में साथ देती है। तो ये जो है ना, ये वो काम से आने के बाद ये वो नहीं कर सकती, लेट हो जाएगा। अभी 11 बज रहा है, अभी वो आ रही है। तो कैसा है ना दोस्त, इसके लिए अपने को कुकिंग का शौकीन तो नहीं है, लेकिन मजबूरन अपने को कुकिंग का, कि मेरा फेवरेट है कुकिंग, ये बताना पड़ता है। क्यों? तो अभी मैं सो के उठा, बच्चे लोग भी सोए थे, दिन भर घूम के आए, पिकनिक में गए थे, तो ये सोच के मैं काम करता हूँ कि अभी मेरी बेटी पिकनिक में गई थी, घूम के आई, मेरा बेटा भी पिकनिक में गया, घूम के आया। बट कभी मेरी बीवी नहीं कहती कि हम लोग को घूमना है, घूमने जाना है, वो काम में व्यस्त रहती है। मेरा जीवन में कमाने का काम मर्दों का होता है, औरत का नहीं। और जो औरत मर्द के लिए कमाए, वो मर्द को कुकिंग करना पड़ेगा। तो ये इतना स्पष्ट भाषा में कोई आपको नहीं समझा सकता है। बट आई एम एक्टर, बट मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसके लिए मैं ये सब बता पाता हूँ। तो सेठ जी, ये रहा मेरा खाना बनाने का फंडा कि देखो भैया, अगर मेरी वाइफ कोई, देखिए एक मेरा दोस्त है, उसका बैंक में नौकरी है, माय फ्रेंड अनिल पाटिल। अभी उनके वाइफ को भी एक बड़ा महिंद्रा कंपनी में जॉब है, तो वो बैंक का जॉब करने का बाद घर पे जाता है, खाना बनाता है। तो वो हमें बताते कि हम जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो बहुत तड़पे पैसे के लिए। फिर मेरी वाइफ भी ना वैसे गरीब घर से बिलोंग करती है, तो हम, वो भी जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं भी नहीं छोड़ सकता, तो क्या करें, बनाना पड़ता है। तो तुम तो यूट्यूब में दिखा देते हो, हम दिखा नहीं पाते हैं, तो कभी मेरे कहानी को बता देना। तो आज यही संजोग मिला तो मैंने बता दिया कि ऐसे मुंबई में भी है, एक नहीं अनेक मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, जो घर के अंदर कुकिंग करते हैं, बाहर जाके नहीं बताते। क्योंकि पता है, ये मर्द जात होते हैं ना, ये बड़ा डेंजर जात होते हैं, ये मर्दों को भी हर जगह इम्तहान देनी पड़ती है, ये काम किया तो मर्दानगी नीचे हो जाएगी, ये तो ऐसे सोच रखने वाले कभी आसमान तक नहीं जा सकते। इसके लिए देखिए सेठ जी, आप लोग का क्या है, आप लोग थोड़ा मालदार हो, इसके लिए आप लोग का सोच अलग है। हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास का सोच ही अलग होता है। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसकी बीवी जिस मर्द के लिए काम करे, वो मर्द को कुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम पे आएगी। देखिए, औरत बहुत जल्दी उलझन में पड़ जाती, फिर वो उलझ जाएगी ना, फिर जल्दी सुलझेगी नहीं, और उसको फिर सुलझाएगा कौन, समझाएगा कौन, मर्द। तो इससे अच्छा भैया, तुम भी मेरे लिए काम करती हो, तो चलो थोड़ा तू भी आराम कर, थोड़ा ज़्यादा हम खट लेते हैं। उसमें क्या, खाना बनाने में क्या है,
घर है इतना अच्छा, बेटी बैठी है इधर, बेटा है इधर, हम पूरा बिहारी स्टाइल में हाफ पैंट पहन के कुकिंग कर रहे हैं, तो माय लाइफ इज माय लाइफ। तो ऐसे ही हर मर्द अगर बन गया तो भैया ये देश बहुत जल्दी तरक्की कर लेगी। तो चलिए, बहुत प्यार से और बहुत मोटिवेट का साथ हमने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, गुड नाइट, अब हम खाना बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। बाय बाय।